कई कई बार क्रिकेट में कुछ खबरें ऐसी हुई जिन्हें सुनकर एक बार तो अपने कानों विश्वास तो नहीं हुए। तो आजकल एक बार फिर से मीडिया में एक खबर ऐसी चल रही है, वह खबर भुवनेश्वर कुमार ने लेकर चल रही है और वह खबर है कि भुवनेश्वर कुमार अब सन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलो इस वीडियो में आप बात करते हैं इस खबर के बारे में और बता सकते हैं कि यह खबर सच्ची है फिर झूठी है। तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और वीडियो लाइक भी करियो। भुवनेश्वर कुमार जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से 2012 से जुड़ रहे हैं। अब अगर भुवनेश्वर कुमार का तीनों फॉर्मेटा के मैच के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर कुमार सबसे पहले 2012 में T20 में आपको डेब्यू करियो। भुवनेश्वर कुमार 25 दिसंबर 2012 ने पाकिस्तान के खिलाफ आपको पहलो मैच खेलो और आपको लास्ट T20 मैच 22 नवंबर 2022 ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलो। T20 करियर के बारे में भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो अब तक भुवनेश्वर कुमार 77 मैच खेले और इन 77 मैच में 84 विकेट आपका नाम करें। T20 के बाद में अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की ODI मैच के बारे में तो ODI में भी भुवनेश्वर कुमार आपको डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ ही करे हो और भी सीरीज में 30 दिसंबर 2012 ने भुवनेश्वर कुमार आपको वनडे डेब्यू करे हो। और अगर भुवनेश्वर कुमार का लास्ट ODI मैच के बारे में बात करें तो लास्ट ODI मैच भुवनेश्वर कुमार 21 जनवरी 2022 ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलो और ODI मैच में भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन की बात करें तो ODI में भुवनेश्वर कुमार अब तक 121 मैच में 141 विकेट आपका नाम कर रखे हैं। तो ODI में इतना बेस्ट प्रदर्शन होने के बाद में भी भुवनेश्वर कुमार को सिलेक्शन ODI वर्ल्ड कप 2023 के लिए कोनी उसके हो। और अगर बात करें टेस्ट मैच के बारे में तो टेस्ट मैच में भुवनेश्वर कुमार 22 फरवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच खेले हो, लेकिन आपको लास्ट मैच 5 साल पहले यानी कि 24 जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हो। 2018 में टेस्ट मैच खेलने के बाद में भुवनेश्वर कुमार ने अब तक टेस्ट मैच दोबारा से मौका कौन मिलो और टेस्ट मैच की बात तो अलग है। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले साल से ODI और T20 सभी अब बार को रास्ता दिखा दिए और अब लगातार टीम से बाहर होने के कारण भुवनेश्वर कुमार की एक फोटो वायरल हो रही है। जी फोटो में भुवनेश्वर कुमार आपके इंस्टाग्राम बायो में इंडियन क्रिकेटर नाम से हटा के सिर्फ इंडियन नाम लिख दियो और अब मीडिया रिपोर्ट्स कयास लगा रही है कि अब भुवनेश्वर कुमार जल्दी सन्यास ले सी। तो अब तक भुवनेश्वर कुमार कोई भी सन्यास की घोषणा नहीं करी है, यह खबर फिलहाल झूठी है, लेकिन BCCI को रवैया देखता लग गया है कि भुवनेश्वर कुमार जल्दी सन्यास की घोषणा कर सके। भुवनेश्वर कुमार कोई टाइम में आपकी स्विंग बॉलिंग के कारण बड़ा बड़ा बल्लेबाजों ने चित ला देते, लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार का दिन चला गया और अब भुवनेश्वर कुमार ने सन्यास लेने की नौबत आ पड़ी। और भुवनेश्वर कुमार की खबर के अलावा अगर और बात करें तो ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए शेड्यूल जारी कर दिए। इस शेड्यूल के अनुसार अगलो वर्ल्ड कप 2024 में जून में खेले जाओगे। यो वर्ल्ड कप 4 जून से 30 जून के बीच में खेले जाओगे और यो वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाओगे। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें भाग लेंगी और 20 टीमों के बीच में 25 मैच खेले जाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।